इस प्रकार से एक साधारण कार्य भी असाधारण कार्य में बदल जाता है, जानेंगे इस वीडियो में। कहानी थोड़ी सी लंबी रहेगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको रियल लाइफ के बारे में जानने को मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक देखें, बिकॉज यू विल कम टू नो अबाउट वन पर्टिकुलर फैक्ट विच विल समवेयर हेल्प यू टू कन्वर्ट योर ऑर्डिनरी वर्क इन टू द एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मीन्स जब भी हम देख रहे हैं कि किसी व्यक्ति के प्रेजेंट एक्शंस को, तो कहीं ना कहीं हम प्रेजेंट एक्शन से उसके फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसके भविष्य के बारे में थोड़ी बहुत भविष्यवाणी कर सकते हैं। कई बार ये सच भी है कि प्रेजेंट एक्शन से ही व्यक्ति का कहीं ना कहीं फ्यूचर डिसाइड होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पास्ट में उसने अगर कुछ गलत एक्शंस लिए हैं तो उसका फ्यूचर कहीं ना कहीं गलत दिशा में ही जाने वाला है। इंग्लिश में इसीलिए कहा जाता है कि फ्यूचर इज़ हार्ड टू प्रेडिक्ट, मतलब ये बहुत मुश्किल है कि आप भविष्य की कोई भी भविष्यवाणी कर सके। तो कहानी इसी प्रकार के एक फैक्ट को जाने के बारे में है, एक कॉलेज के प्रोफेसर, और ये कहानी दुनिया की सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलेटेड स्लम ऑफ द वर्ल्ड, मीन्स दुनिया की अगर सबसे बड़ी हम बात करें एक स्लम की, एक झोपड़पट्टी की, तो वो है भारत में और उसका नाम है धारावी। और ये जो कहानी है यहीं से शुरू होती है कि एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने ये मुंबई की जो सबसे बड़ी स्लम है धारावी, उसके बारे में रिसर्च करने का अपने कॉलेज के विद्यार्थियों को एक असाइनमेंट दिया। ये सेट टू हिज स्टूडेंट्स के आपको करीबन 200 बच्चों पर एक रिसर्च करनी है, उनके बारे में जानना है कि उनकी प्रेजेंट कंडीशन, उनकी फैमिली सिचुएशन, उनकी हैबिट्स, उनका रहन सहन, उनकी लाइफ स्टाइल, उनका नशे करने की आदत, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको ये पता करना है इन 200 बच्चों के बारे में कि व्हाट वुड बी देयर फ्यूचर आफ्टर 25 ईयर्स। सारे विद्यार्थी जो है एक टीम बनाकर जाते हैं और वहाँ कहीं ना कहीं रिसर्च करते हैं, पता करते हैं, हर एक विद्यार्थी से कहीं ना कहीं पर्सनली बात भी करते हैं, उनकी डिटेल्स लेते हैं और एक पूरा रिपोर्ट तैयार करते हैं उन विद्यार्थियों से बातचीत करने के बाद, और कहीं ना कहीं अपने प्रोफेसर को जो असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो उस असाइनमेंट के अंदर ये बताते हैं कि इनमें से 95% विद्यार्थियों का जो भविष्य है वो गलत डायरेक्शन में जाने वाला है और वो कहीं ना कहीं गुनाह के रास्ते पर चले जाएंगे। इनमें से कुछ लोग बहुत सीरियस क्राइम में भी इन्वॉल्व होंगे और हो सकता है कि वो जेल जाएं, बट 95% विद्यार्थी जो है, 95% जो बच्चे हैं, उन बच्चों का एज ग्रुप करीबन 10 से 13 साल का था। और ये सारा जो असाइनमेंट जब उन्होंने सबमिट किया तो सिर्फ 5% बच्चों के बारे में उन्होंने बताया कि ये बच्चे कहीं ना कहीं अच्छा जीवन जी पाएंगे, 5%, बाकी 95% बच्चों का जो जीवन है वो एक रॉन्ग डायरेक्शन में जाने वाला है और कहीं ना कहीं वो एक बहुत बदहाली का और ख़राब जीवन जीने वाले हैं। नाउ ये प्रोफेसर ने उनका असाइनमेंट सबमिट कर लिया और कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट यहीं पर कंप्लीट हो गया। एक लंबे समय बाद, करीबन 20 से 25 साल बाद, एक दूसरे प्रोफेसर ने इसी असाइनमेंट को वापस उठाया और ये चेक करने की कोशिश की कि जो रिपोर्ट सबमिट की गई है उसका रिजल्ट एज इट इज़ है जो कहीं ना कहीं उन बच्चों ने सबमिशन के दौरान दिया था, कि सिर्फ 5% जो बच्चे हैं वो एक अच्छा जीवन जी रहे होंगे और 95% बच्चे कहीं ना कहीं एक बहुत ख़राब बदहाली का और एक क्रिमिनल का जीवन जो है जी रहे होंगे। तो उन्होंने फिर से एक टीम बनाई, 5-5 विद्यार्थियों की 5 टीमें बनाई और उन्हें वापस से जो है उसी एरिया धारावी के अंदर भेजा गया और जानने की कोशिश करने को कहा गया कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन, करंट सिचुएशन जो है इन विद्यार्थियों की क्या है। हालांकि सारे बच्चे तो वहाँ नहीं मिले, करीबन उनमें से 20 बच्चे जो है ऐसे थे जो लापता थे, कुछ का देहांत हो गया था, लेकिन 180 बच्चे, 180 जो है बच्चे जो है उनके ऊपर वापस से उनसे पूछा गया और उनसे पर्सनली मिला भी गया और पता करने की कोशिश की गई कि अभी करंट सिचुएशन उनकी क्या है। विद्यार्थियों को और प्रोफेसर साहब को ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये अभी का जो रिपोर्ट निकल के आया है उस समय जो दिया गया था उसके बिल्कुल विपरीत था। मीन्स 180 बच्चों में से सिर्फ 5% बच्चे ऐसे थे जिनका कहीं न कहीं
कुछ केस चल रहा था या वो किसी मारधाड़ के जो है अंदर इन्वॉल्व थे और गलत रास्ते पर थे। बाकी 95% जो बच्चे हैं उनका जो आर्थिक कंडीशन है, जो फाइनेंशियल स्टेटस है, वो पहले से बहुत बेहतर हो चुका था। वो एक अच्छी जीवन शैली जी रहे थे और किसी भी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं थे। कहीं ना कहीं वो पुराना जो जीवन था उससे कई गुना बेहतर होकर एक अच्छा जीवन यापन कर रहे थे। अब ये चूंकि रिसर्च पहले ही हो चुका था कि ये बच्चों की प्रेजेंट एक्शंस को देखते हुए, उनकी प्रेजेंट कंडीशन को देखते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके माता पिता शराब के नशे में रहते थे या ड्रग्स का सेवन करते थे या उनके पास एक अच्छी जीवन शैली नहीं थी और उनका माहौल जो था उस स्लम का एक ऐसा था कि जहां उनका क्रिमिनल बनना बहुत ज़्यादा तय था, लेकिन फिर भी ये बच्चे एक अच्छा जीवन जी रहे थे। तो वापस से प्रोफेसर साहब ने उन बच्चों को भेजा, अपने स्टूडेंट्स को भेजा और कहा कि ये जानने की कोशिश करो कि उन बच्चों को जो है एक सही डायरेक्शन कैसे मिला उस खराब माहौल में भी जहां उनके बिगड़ने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी। तो सारे स्टूडेंट्स वापस जाते हैं और एक एक बच्चे से बात करते हैं और कहीं ना कहीं ज़्यादातर बच्चे यही आंसर देते हैं कि हमारी जीवन शैली का बेहतर होने का सबसे बड़ा कारण है हमारे स्कूल के टीचर। मीन्स उनकी जो स्कूल टीचर थी उसी की वजह से, मतलब कहीं ना कहीं उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया था, उनके जीवन में एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला था। ज़्यादातर बच्चों ने कहीं ना कहीं अपनी एक टीचर का ही नाम लिया जो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में उनकी मदद कर पाई। नाउ सारे बच्चे उस स्कूल जाते हैं जहां वो काम कर रही होती है और जाकर पता लगता है कि वो टीचर जो है वहां से कहीं ना कहीं रिटायर्ड हो चुकी है, लेकिन बच्चे शांत नहीं होते हैं और अपनी जो है जिज्ञासा को पूरी करने के लिए, वो रीज़न जानने के लिए कि ये ड्रास्टिक चेंज इन सारे स्लम के बच्चों में कैसे आया है, वो उन टीचर के घर पहुँच जाते हैं। जैसे ही वो टीचर के घर पहुँचते हैं तो पहले सारी स्थिति को अच्छे से बताते हैं और कहते हैं कि हम ये जानना चाहते हैं शिक्षिका जी कि आपने इन बच्चों की जीवन में ऐसा क्या चमत्कार किया कि एक स्लम में रहने के बावजूद भी वो एक अच्छे सिटीजन के रूप में उभर कर बाहर आए। वी जस्ट वॉन्ट टू नो द सीक्रेट वट यू हैव अप्लाइड, वट यू हैव डन इन देयर लाइफ समवेयर वेयर दे वर समवेयर लीडिंग टूवर्ड्स द क्रिमिनल्स लाइफ, लीडिंग टू वेरी मीडियोकर लाइफ स्टाइल, बट आज इनका जीवन जो है एक बहुत बेहतरीन जो है नागरिकों के रूप में हो रहा है। तो यहाँ शिक्षिका कहती है, चमत्कार? मैंने ऐसा कोई चमत्कार नहीं किया, मुझे ये नहीं आता चमत्कार। मैंने तो सिंपली एक ही कार्य किया कि इन सारे बच्चों को जब मैं पढ़ा रही थी तो मैं इनको ऐसा ही समझती थी कि ये मेरे खुद के बच्चे हैं, दे आर माय ओन चिल्ड्रन, और मैं उन्हें उतना ही प्रेम और सम्मान देती थी, उतना ही गाइडेंस और कहीं ना कहीं वैल्यूज़ लाइफ की देती थी जितना मैं अपने बच्चों को देती थी। मैंने कहीं भी एक डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश नहीं की, एक भेदभाव करने की कोशिश नहीं की कि मैं अपने बच्चों को जो वैल्यूज़ दे रही हूँ, अपने बच्चों को जो शिक्षा दे रही हूँ कहीं ना कहीं बेहतर है, और इनको चूँकि मैं यहाँ जॉब कर रही थी, चूँकि यहाँ एक काम कर रही थी, तो एक औपचारिकता पूरी करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर आकर चली जाती थी। मैंने कभी ऐसा नहीं किया, उनको पूरे दिल से, मन से और प्रेम से समझाया, सिखाया और लाइफ की वैल्यूज़ दी, और उसी की वजह है कि कहीं ना कहीं ज़्यादातर बच्चों का जीवन जो है ट्रांसफॉर्म हो पाया। और इस कहानी से कहीं ना कहीं एक बेहतरीन शिक्षा हमें ये लेनी चाहिए कि दुनिया का जो कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस है वो अगर हम जानने की कोशिश करें तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ लव, दैट इज़ बिकॉज ऑफ अफेक्शन। मीन्स अगर कोई भी कार्य प्रेम से, स्नेह से किया जाए तो उसमें हमें एक बेहतरीन परिणाम, बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। जैसे कि इन सारे 180 बच्चे जो जिन पर रिसर्च की गई, मीन्स 200 बच्चे थे करीबन, तो उनमें से जो ये 180 बच्चों का जीवन जो एक बहुत ट्रांसफॉर्म हुआ, मीन्स करीबन 95% बच्चों का जीवन जो ट्रांसफॉर्म हुआ, वो कहीं ना कहीं एक टीचर के पूरे दिल से और आत्मा से कार्य करने के लिए ही हो पाया। मीन्स व्हेन शी वॉज डूइंग हर वर्क, शी वॉज डेडिकेटेडली डूइंग दैट वर्क विद अ होल हार्ट, पूरे दिल से और प्रेम से वो कार्य कर रही थी, और कहीं ना कहीं उसी की वजह से जो है उन बच्चों के लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला।
और अगर इसी प्रकार से हम देखें कि हर एक इंसान जो भी कार्य कर रहा है, वट एवर वर्क ही और शी इज़ डूइंग, अगर वो उस कार्य के अंदर सिर्फ और सिर्फ अफेक्शन, अनुराग, प्रेम, स्नेह डाल दे, तो कहीं ना कहीं वो जो कार्य है वो बेहतरीन होने से कोई नहीं रोक सकता। मीन्स अगर गायों को भी म्यूज़िक सुनाया जाता है तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा दूध देने लगती है। और हर एक इंसान जब कोई भी कार्य कर रहा है, वो अगर प्रेम रस में डूब कर करता है, तो शायद उस काम को वो बेहतरीन तरीके से कर सकता है, और तभी कहीं ना कहीं वो ऑर्डिनरी वर्क जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में बदल जाता है। जो कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा कि हर एक इंसान जो कार्य कर रहा है, अगर वो उस कार्य में कभी भी बोरियत फील ना करें, उस कार्य में कभी भी ऐसा ना लगे कि मैं एक प्रेशर में आके कर रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं एक उदासी और गम के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि अगर उदासी और गम के साथ वो टीचर वहाँ काम करती तो शायद उन बच्चों को वो वैल्यूज़ और प्रेम नहीं दे पाती जो वास्तव में उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देता। बट नाउ वी सी दैट हियर द ट्रांसफॉर्मेशन केम इन टू द ईच एंड एवरी चाइल्ड्स लाइफ बिकॉज ऑफ दैट अफेक्शन। और हर एक इंसान को कहीं ना कहीं ये कोशिश करनी चाहिए कि वो जो भी कार्य कर रहा है, चाहे वो एक कार्य कर रहा है या फिर हम बात करें कि कोई भी असाइनमेंट कर रहा है, या एक हो सकता है कि वो उसका पर्सनल वर्क हो या प्रोफेशनल वर्क हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हर एक कार्य में अफेक्शन जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए इंग्लिश में एक बहुत अच्छी सी कहावत है कि लव हैज़ नो लैंग्वेज अक्रॉस द वर्ल्ड, मीन्स प्यार की जो है कोई भाषा नहीं होती, इट डज नॉट हैव एनी बैरियर्स। इफ समबडी इज डूइंग समथिंग विथ अ होल हार्ट एंड विथ अ होल अफेक्शन समवेयर दैट वी कैन नोटिस इजीली विद द हेल्प ऑफ हिज बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशन, उसमें शब्दों की कहीं ना कहीं हमें वर्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ और सिर्फ हम उसकी बॉडी लैंग्वेज से और फेशियल एक्सप्रेशन से ये इजीली चेक कर सकते हैं कि व्यक्ति कोई कार्य दिल से कर रहा है या नहीं। आई बिलीव इस कहानी के माध्यम से मैं एक बहुत अच्छा मैसेज आपको दे पाया हूँगा। अगर कहानी अच्छी लगी है तो ज़्यादातर लोगों को ये शेयर करें, ताकि वो भी इस सीक्रेट को समझ पाएँ, वो भी इस कार्य को समझ पाएँ कि हम वास्तव में अगर कोई कार्य अफेक्शन के साथ करें, लव के साथ करें, डेडिकेशन के साथ करें, तो उसमें हमें ही नहीं बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, बल्कि हमसे जुड़े वो सारे लोग जो कहीं ना कहीं हमसे एक सर्विस ले रहे हैं, उन्हें भी बेनिफिट मिल पाएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दें, ताकि कहीं ना कहीं हमारा भी मोटिवेशन ये कार्य करने में लगा रहे।